नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। राजद में पिछले काफी दिनों से जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच में जो है वह तनातनी की स्थिति चल रही थी। एक तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह एक पत्र लिखा था लालू प्रसाद यादव के नाम और उसके बाद उन्होंने पिछले दिनों जाकर उनसे मुलाकात भी की है। तो अब लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिलहाल रांची के रिम्स में हैं, सजायाफ्ता हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, उनसे रघुवंश प्रसाद सिंह जब मिले तो उसके बाद जो दोनों के बीच में जो बातें चल रही थी रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह के बीच में, वह अब खत्म हो चुकी है। जी हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह जब पिछले दिनों उन्होंने एक पत्र लिखा था लालू प्रसाद यादव को, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जिलाध्यक्षों की जो है वह नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिससे जो है वह संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है, और तमाम आरोप भी उन्होंने लगाए थे। उसके बाद जब पिछले दिनों उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की तो अब यह तय हो गया है कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, यानी 5 फरवरी को उन जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की जाएगी, कुल 50 जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे, ऐसी खबर है। तो राजद में जो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और अब जो मामला है वह शांत हो गया है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जिस चीज़ की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो संगठन पर सवाल उठा रहे थे, अब वह चीज़ पूरा होने वाला है। यानी रघुवंश प्रसाद सिंह का कहना था कि जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं, राजद के जो भी तमाम जिला के जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कह रहे थे, लेकिन खबर है कि 5 फरवरी को 50 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की जाएगी, उसके बाद 8 फरवरी को तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के साथ तमाम जो जिलाध्यक्ष होंगे उनके साथ बैठक भी होगी। तो राजद में पिछले काफ़ी दिनों से यह मामला तेज था कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह जो हैं वो पिछले कई चीज़ों को लेकर जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे। उसके बाद 2 दिन पहले उन्होंने जगदानंद सिंह के साथ राजद कार्यालय में बैठ के बातचीत भी की थी, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जाकर मुलाकात भी की थी। तो उसके बाद यह मामला अब शांत हो गया है, यानी राजद में जिलाध्यक्षों की जल्द ऐलान जिलाध्यक्षों का किया जाएगा, उनके नामों की घोषणा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने इसे संभाल लिया है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह के बीच में जो है वह तनातनी की स्थिति थी। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह के तरफ से कि जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व हैं वह सही से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने तो जगदानंद सिंह को तानाशाह भी कह दिया था, लेकिन जब पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी तो उस वक्त मंच से तेजस्वी यादव ने इस मामले पर भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं वो उनका सुझाव है, उनके सुझाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब रघुवंश प्रसाद सिंह की इस बात को जो है वह तवज्जो दी गई है और जिलाध्यक्षों का ऐलान 5 फरवरी को किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन अब जिलाध्यक्षों के ऐलान के बाद क्या कुछ होता है। आने वाले वक्त में रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह को लेकर तमाम खबरें जो आती हैं उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।